नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पोषक तत्व कई प्रकार के होते हैं और हर पोषक तत्व का हमारी हेल्थ पर अलग अलग प्रभाव होता है। सिर्फ हेल्थ पर ही नहीं बल्कि विटामिन और मिनरल्स का हमारी त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है और इन्हीं पोषक तत्व या विटामिन में से एक है विटामिन सी, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज इस खास वीडियो में हम स्किन के लिए विटामिन सी के फायदों पर विस्तार पूर्वक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि विटामिन सी क्या होता है। दोस्तों विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। ये पानी में घुलनशील पोषक तत्व है जो आपके शरीर और त्वचा को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्किन के लिए विटामिन सी के कई सारे फायदे हैं। रिसर्च के अनुसार जब हेल्दी स्किन की बात आती है तो विटामिन सी के सेवन से ज़्यादा प्रभावी विटामिन सी को सीधे त्वचा पर लगाना होता है। तो दोस्तों बात की जाए त्वचा के लिए विटामिन सी के फायदों के बारे में, तो पहला फायदा है कि यह कोलेजन को बूस्ट करता है। शरीर में कोलेजन के उत्पादन के लिए विटामिन सी जरूरी है। कोलेजन जो है ये त्वचा, बाल, मांसपेशियों और टेंडन का बिल्डिंग ब्लॉक है और ये हमारी त्वचा को जवान और स्मूथ बनाए रखता है और ये एक तरह का प्रोटीन ग्रुप होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कोलेजन का उत्पादन धीमा हो जाता है, जिससे कि त्वचा ढीली होने लगती है। हालांकि जब विटामिन सी त्वचा पर लगाया जाता है तो विटामिन सी कोलेजन और इलास्टिन दोनों के उत्पादन को तेज़ करता है, जो कि त्वचा को कोमल और प्लम्प करने में मदद करता है। दूसरा फायदा होता है दोस्तों हाइपर पिगमेंटेशन में। त्वचा पर गहरे धब्बों का होना एक सामान्य स्थिति है, जो कि अक्सर सूरज की पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों और पर्यावरणीय तनाव के अधिक संपर्क के कारण ऐसा होता है। हालांकि इनसे कोई हानि नहीं होती है, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन से त्वचा का रंग असमान हो सकता है। विटामिन सी जो है ये टायरोसिनेज के उत्पादन को रोकने में मदद करता है और दोस्तों टायरोसिनेज जो है ये एक एंजाइम है जो कि मेलानिन के उत्पादन में सहायता करता है। तो विटामिन सी टायरोसिनेज के उत्पादन को रोककर हाइपर पिगमेंटेशन को रोकता है। विटामिन सी का त्वचा के सामान्य रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका असर सामान्य गहरे रंग की त्वचा पर नहीं होता है। ये केवल अधिक धूप में रहने के कारण जो मेलानिन का जमाव होता है उसे कुछ हद तक कम कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों तीसरा इसका फायदा होता है एंटी एजिंग में। विटामिन सी का उपयोग त्वचा पर नजर आने वाले बढ़ते उम्र के लक्षणों से बचा सकता है और स्किन को स्मूथ बना सकता है। विटामिन सी न केवल कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे कि झुर्रियाँ कम हो सकती है, बल्कि ये त्वचा की इलास्टिसिटी को भी बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, ये कोलेजन के नुकसान को रोकने में भी मदद कर सकता है और इसके अलावा विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, जो कि काले धब्बों से निपटने, धूम्रपान, पर्यावरणीय प्रदूषकों और लंबे समय तक धूप में रहने जैसे कारकों के कारण समय से पहले स्किन एजिंग के लक्षणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों विटामिन सी जो है ये आपका सन डैमेज से बचाव करता है। मेडिकल स्टडी के अनुसार विटामिन सी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले डैमेज से भी बचा सकता है। दरअसल सूरज की यूवी किरणों के कारण त्वचा में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, जो कि त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कोलेजन के टूटने का कारण बन सकते हैं। ये फोटो एजिंग यानी कि समय से पहले बुढ़ापे का कारण बनते हैं। सन डैमेज के संकेतों में झुर्रियाँ, त्वचा का ढीला पड़ना, असमान त्वचा रंगत या बनावट, त्वचा का लाल होना और टूटी कोशिकाएँ शामिल है। अधिक फ्री रेडिकल्स के कारण त्वचा में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी विटामिन सी बचाव करता है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित 2023 के एक रिव्यू में पाया गया कि यूवी किरणों के कारण त्वचा में होने वाले असमान रंगत और झुर्रियों के इलाज में विटामिन सी उपयोगी रहा था। और साथ ही साथ दोस्तों ये घाव भरने में भी मददगार है। एक रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन सी सप्लीमेंट्स कुछ प्रकार के घावों, विशेष रूप से अल्सर वाले लोगों में एक बेहतर उपचार के रूप में सामने आया है। दरअसल विटामिन सी आवश्यक कोलेजन का उत्पादन करने में मदद करता है, जो कि घाव को भरने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी स्किन को भी हाइड्रेट करता है। कई बार मौसम में बदलाव या पर्याप्त नमी के बिना एपिडर्मिस यानी कि त्वचा की ऊपरी परत सूखने लगती है, जिससे कि खुजली, पपड़ीदार त्वचा और समय से पहले स्किन एजिंग की स्थिति होने लगती है। आपकी त्वचा को स्वस्थ और युवा बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है। न्यूट्रिएंट्स में प्रकाशित 2017 के रिव्यू आर्टिकल के अनुसार विटामिन सी त्वचा की सबसे बाहरी परत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही त्वचा को पानी की कमी से बचाने की क्षमता को भी बढ़ाता है। विटामिन सी त्वचा में पानी बनाए रखने, इसे प्लम्प और स्मूद रखने और इसे बहुत अधिक तेलीय या शुष्क होने से बचाने में
मदद करता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जिन व्यक्तियों को विटामिन सी युक्त सप्लीमेंट दिया गया उनमें त्वचा के हाइड्रेशन, इलास्टिसिटी और खुरदरेपन में महत्वपूर्ण और स्थायी सुधार देखा गया। और ऐसे में मान सकते हैं कि स्किन को हाइड्रेट करने के लिए विटामिन सी की अहम भूमिका होती है। और साथ ही साथ दोस्तों ये त्वचा की लालिमा को भी कम करता है। हार्मोनल बदलाव, तेज धूप, सूजन या अन्य स्वास्थ्य स्थिति के कारण त्वचा लाल होने लगती है, वही स्किन के लाल होने की समस्या से विटामिन सी काफ़ी हद तक छुटकारा दिला सकता है। विटामिन सी का एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा के लाल होने की समस्या से काफ़ी हद तक आराम दिला सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्किन की केयर के लिए आप विटामिन सी का उपयोग कैसे करेंगे। तो चाहे आपकी त्वचा ड्राई हो, ऑयली हो या कॉम्बिनेशन वाली हो, विटामिन सी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, जिससे त्वचा को स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखने में मदद मिल सकती है। त्वचा की देखभाल के लिए विटामिन सी का उपयोग करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है विटामिन सी का सेवन करना। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि संतरा और जामुन कई स्वास्थ्य लाभ देता है। हालांकि ये भी सच है कि आप कई सारे फल और सब्जियां खाकर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डाइट्री विटामिन सी आमतौर पर आपकी त्वचा में विजिबल सुधार नहीं ला सकते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आहार में विटामिन सी का सेवन आपकी त्वचा के निचले स्तर तक पहुँचने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आमतौर पर ये त्वचा की ऊपरी परतों तक नहीं पहुंच पाता है। और यही कारण है कि विटामिन सी को त्वचा पर लगाना भी जरूरी है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि विटामिन सी का त्वचा पर उपयोग करना। विटामिन सी सीधे त्वचा की सबसे ऊपरी परत में अवशोषित हो जाता है, जिससे कि ये त्वचा को स्मूथ करने, महीन रेखाओं और काले धब्बों को कम करने और फ्री रेडिकल से बचाने में तुरंत काम करता है। चेहरे के मॉइस्चराइजर और सीरम में विटामिन सी उपलब्ध होता है। सीरम मॉइस्चराइजर की तुलना में अधिक कंसंट्रेटेड होते हैं और त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। और यही कारण है कि त्वचा की देखभाल के लिए विशेषज्ञ विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। और अधिकांश शोध कहते हैं कि विटामिन सी को सीरम के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि विटामिन सी से युक्त लो कंसंट्रेशन वाले सीरम में भी एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा और त्वचा लाभ प्रदान करते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि विटामिन सी का उपयोग कितनी बार करना चाहिए। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए दिन में 1 से 2 बार सुबह और रात में विटामिन सी लगाएं। दिन के समय विटामिन सी लगाने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि निर्देश हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। यदि आप पाते हैं कि आपकी त्वचा डेली एप्लीकेशन के प्रति संवेदनशील है, तो सप्ताह में हर दूसरे दिन लो कंसंट्रेशन विटामिन सी प्रोडक्ट लगाने से शुरुआत करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्किन केयर रूटीन में विटामिन सी को शामिल करने का तरीका क्या है। तो आपके स्किन केयर रूटीन में कुछ तरीकों से आप विटामिन सी युक्त स्किन केयर प्रोडक्ट को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि क्लिंजर, टोनर, विटामिन सी सीरम, मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले कि आप पूरी तरह से विटामिन सी का उपयोग करें, ये देखने के लिए कि आपकी त्वचा कैसी प्रतिक्रिया करती है, आपको लो कंसंट्रेशन वाले फॉर्मूले के साथ त्वचा के एक हिस्से पर पैच टेस्ट करना चाहिए। कुछ मामूली झुनझुनी सामान्य है, लेकिन यदि आपको कुछ अधिक तीव्र अनुभव या जलन होती है तो प्रोडक्ट का उपयोग बंद कर दें और अपने त्वचा विशेषज्ञ से बात करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे विटामिन सी से जुड़े कुछ जोखिमों की। तो दोस्तों खाद्य पदार्थों में सेवन करने या त्वचा पर लगाने पर विटामिन सी आमतौर पर सुरक्षित होता है, वहीं संवेदनशील त्वचा या एलर्जी वाले लोगों को त्वचा का रंग पीला होने का अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों को विटामिन सी का उपयोग करने के बाद त्वचा में चुभन, जलन, खुजली और ड्राइनेस का अनुभव हो सकता है, और ऐसी स्थिति में विटामिन सी का उपयोग करने से पहले मॉइस्चराइजर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों हमेशा गहरे रंग की बोतल में मौजूद विटामिन सी को ही खरीदें। लाइट या फिर हवा के संपर्क में आने पर विटामिन सी का प्रभाव कम हो जाता है, और इसीलिए गहरे रंग की कांच की बोतलें इसकी स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। विटामिन सी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो स्वास्थ्य और त्वचा दोनों के लिए प्रभावकारी हो सकता है। तो अपने हेल्दी स्किन के लिए आज से ही इस महत्वपूर्ण पोषक तत्व को अपने डेली स्किन केयर का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।